आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी में। फ्रेंड्स, आज फिर एक हम अद्भुत मास्टर को अपने साथ लाए हैं। उनसे बहुत प्यारे प्यारे जवाब हमको मिलेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान का भंडार जो उनके पास है थोड़ा सा हमारे पास भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जानते हैं इनका नाम क्या है? डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, जो पीएमसी गुजराती के फाउंडर मेंबर हैं, पीएमसी गुजरात यूट्यूब चैनल के फाउंडर मेंबर हैं, पिरामिड ध्यान जगत गुजराती के फाउंडर मेंबर हैं, सोल कोच हैं और सब बीमारियों का इलाज प्रकृति चिकित्सक जैसे चिकित्सा से करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इनसे बहुत सारी जानकारियां आज हमको मिलेंगी, तो मिलकर इनका स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र सरीन जी, नमस्ते पीएमसी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार टू ऑल द फ्रेंड्स। सर, आज हम बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं आपसे। आज हम शायद ऐसा लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज आपके पास कम ज्ञान रह जाएगा, हमारे पास शायद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर, मैं ये जानना चाहती हूँ धीरेन्द्र जी, कि प्रकृति चिकित्सा ये क्या होती है? क्योंकि हमने बहुत सारी पद्धतियाँ सुनी हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। चलिए हम एलोपैथिक को तो फिर भी कई बार कह देते हैं कि इनके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, परंतु आयुर्वेदिक जो यूनानी है पद्धति एक और होम्योपैथिक, इनके कहते इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और बहुत धीमे धीमे आपके अंदर सारी चिकित्सा कर देती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सक क्या होता है, प्रकृति से चिकित्सा कैसे होती है, थोड़ा सा हमको और हमारे ध्यानी मित्रों को इसके बारे में बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा में ज़्यादा लोग आज प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं, और जितना हम लोग दूर जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम अपने अंदर में आपदा और अपने अंदर में बीमारियों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ दें, जितना हम नज़दीक जाते हैं, हमारे अंदर जितनी उपलब्धि है बीमारियों की, उन सब उपलब्धियों से बाहर निकला जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सक वो है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है, ताकि आपके अंदर जो इम्बैलेंस हुआ है, हमारे अंदर में पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अगर उन पंच तत्वों का आहार हम ले लें, अपने शरीर के अंदर पहुंचा दें, तो आयुर्वेद के आचार्य का कहना है हमारे वात, कफ और पित्त के जो दोष हैं उनसे बाहर निकला जा सकता है। इन शॉर्ट, सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और जैसा आपने बताया, पद्धतियां तो बहुत हैं, लेकिन सभी पद्धतियों पे जब हम चलते हैं, कहीं ना कहीं पे हम बीमारी को शत्रु के रूप में देखने लगते हैं। बिल्कुल, हम शत्रु ही मानते हैं बीमारी, मीन्स शत्रु, डरे हुए होते हैं, कि किस तरह से चाहे खांसी भी हो जाए या हल्का सा पेट में दर्द हो जाए तो भी हमें वो शत्रु लगता है कि भैया ये भाग जाए। तो यहाँ पे जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करने लगते हैं, तो हम अपने शरीर को संतुलित बनाने के लिए संतुलित आहारचर्या के साथ में जुड़ाव करते हैं। इससे हमारे सारे दोष मिट जाते हैं, हमारी सभी बीमारियां जाने लगती हैं, और साथ ही साथ में प्राकृतिक चिकित्सक एक बीमारी को शत्रु नहीं बल्कि मित्र के रूप में देखता है। दरअसल में हमारा जो शरीर है, इसमें जो आत्मसत्ता है, कहीं ना कहीं पे अपने आप को दुरुस्त करने के लिए अपने शरीर में बीमारियों का चलन करती है, ताकि जो गंदगी इकट्ठी हुई है शरीर में, जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है, जो जड़ मूल में सभी बीमारियों का कारण है, कूड़ा जहाँ पे जम गया उसके हिसाब से हमारे शरीर के अंदर में बीमारी का नाम पड़ जाता है। जैसे अगर टॉन्सिल्स में कूड़ा जम गया तो टॉन्सिलाइटिस, अगर साइनस में जम गया तो साइनोसाइटिस, कोलोन्स में अगर दर्द आ गया तो कोलाइटिस, अगर आर्थर में, जोड़ों में कूड़ा जम गया तो आर्थराइटिस। तो बीमारी का नाम अलग अलग है, लेकिन जड़ मूल में तो खाली कूड़ा है, और जहाँ तक के प्राकृतिक चिकित्सक का काम है वो कूड़े की सफाई करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने आपसे बताया कि जहाँ पे एक तरफ में शरीर को सम करने की ज़रूरत है,
संतुलित आहार के माध्यम से संतुलित शरीर का निर्माण होता है। साथ ही साथ में अंदर जो गंदगी इकट्ठी हुई है उसे वाटर थेरेपी के द्वारा, आपको जानकर के अचरज होगा, करीब 200 साल पहले 1822 में डॉक्टर विंसेंट प्रेसनीज ने, यूरोप के एक बड़े प्रख्यात डॉक्टर हुए जिन्होंने हाइड्रोपैथी की पहली श्रृंखला शुरू की। हाइड्रोपैथी पहले नाम था, आगे चल के फिर नेचुरोपैथी हो गया। और ये हाइड्रोपैथी यानी पानी से सफाई। आप देखिए, आप हमारे घरों के अंदर में हम लोग रसोई बनाते हैं, रसोई बनाने के बाद में रसोई को साफ भी करते हैं। अच्छा, अगर रसोई को साफ ना करें तो वहाँ पे गंदगी और कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े सब जीवाणु आने लगेंगे। हम हर बार जितनी बार रसोई बनाते हैं हर बार सफाई करते हैं, तो हमने अपने अंदर से बाहर की सफाई तो रोज कर लेते हैं स्नान के द्वारा, लेकिन अंदर की सफाई पे कहीं कोई पैथी काम नहीं कर रही है, एक नेचुरोपैथी को छोड़ करके। इसीलिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पानी की कोई विकल्प नहीं है। आपको रसोई साफ़ करनी है या आपके कपड़े साफ़ करने हैं, पानी का कोई विकल्प नहीं है और ये पानी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसी पानी की थेरेपी के द्वारा हम अंदर से गंदगी को निकालने के लिए, सफाई करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को कमज़ोरी है, किसी को हाइपर एसिडिटी है, कफ कोल्ड की समस्या बनी है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, तो ये सभी लक्षण कहीं ना कहीं पे एसिडिक पोर्शन बढ़ गया है। वमन द्वारा अगर आमाशय की सफाई कर दी जाए कुंजल क्रिया द्वारा, तो बहुत आराम इसमें तुरंत मिल जाएगा। किसी को अगर शरीर के अंदर में मेटाबॉलिज्म की बीमारियां हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे ब्लड के अंदर में टॉक्सीमिया यानी कि लगातार गंदगी मिल रही है। हमारा जो पेट का भाग है, यहाँ आमाशय हमारी रसोई और मलाशय हमारे सीवरेज की लाइन है। अगर सीवरेज की लाइन को साफ ना किया जाए तो मलाशय की सफाई के लिए हम लोग एनीमा का प्रयोग, प्लेन वाटर के साथ में, इसका कोई आड़ असर नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जितने लोगों को हम लोगों ने प्रयोग करके देखा, इसमें सभी बीमारियों का निदान 100% रिजल्ट्स हम लोगों को नजर आने लगे। और दिन भर में, दिनों में, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको महीने लगेंगे या साल लगेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर में ज़बरदस्त परिणाम हमारे सामने हैं। पट्टियाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब पट्टियों से मुझे याद आया, जब हम छोटे होते थे और कभी फीवर आ जाता था, आपको याद है वो जी, पानी की पट्टी रखी जाती, सिर पे जो पानी की पट्टी लगाई जाती थी, तो ये 3 पट्टियाँ अगर वेट पैक का चलन किया जाए तो ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए ये सबसे आसान और सरलतम मार्ग हैं। हॉट फुट बाथ, जहाँ आपको पैरों को गर्म पानी में रखना है और थोड़ा गर्म आपको आमाशय में, जैसे नींबू पानी गर्म पानी में बना करके ले लेना है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना रहे, तो हमारे शरीर का जो रक्त है उसमें हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से सर्कुलेशन ठीक होता है। तो ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पसीने के माध्यम से बहुत सारा पसीना हमारे शरीर से गंदगी को लेकर के, हमारे जो किडनियाँ जो हैं वो तो पानी का सफाई कर ही रही हैं बॉडी में, लेकिन जहाँ पे किडनी नहीं पहुँच सकती वहाँ ये हॉट फुट बाथ जाकर के अपना काम कर देता है। तो दिस इज सो सिंपल वे। प्राकृतिक चिकित्सा में हवा पानी को लेकर के हर एक बीमारी का निदान घर से रह करके हर व्यक्ति कर सकता है और ज़बरदस्त परिणाम पा रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल फ्रेंड्स, आपने जाना क्यों हमारे जीवन में प्रकृति चिकित्सा इतनी इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं, रोज को हम देखते हैं हवा पानी मिट्टी, ये रोज का हमारा, हमारे जीवनचर्या में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, पर थोड़ा सा हमको पता चल जाए कि हमें इसे कैसे प्रयोग करना है, तो फिर
वारे के न्यारे हैं हमारे। तो धीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने इतना सब कुछ हमको ज्ञान दिया प्रकृति की कि सब चीज़ों को हम यूज़ करके अपने सब बीमारियों को, महिलाओं में क्या पुरुषों में भी ये कि मतलब समस्या है? सर्वप्रथम हम ऊपर से शुरू करते हैं बालों की। जेंट्स में बाल्डनेस की आ जाती है कि सिर गंजा होने लगा, और लेडीज़ को है कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, और कोरोना काल में तो लोगों के इतने बाल झड़े हैं कि कोई सीमा नहीं। तो कुछ आप बताएंगे कोई तरीका कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से हम सब ध्यानी मित्र अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनमें चमक पैदा, मजबूती कैसे ला सकते हैं? देखिए, हमारा जो बालों का भाग है ये कहीं ना कहीं पे क्राउन रीजन हमारे मस्तक के ऊपर बैठा है जी, और ये मुकुट की तरह हमारी चेहरे की रौनक को बढ़ाता है जी। कहीं पे बाल्डनेस हो जाए, एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे अंदर उतरने लगता है जी। हम चाहते हैं कि हम बड़े खूबसूरत दिखें। प्राकृतिक चिकित्सा में गंजेपन की शिकायत लेकर के आने वाले लोगों को भी वापस बाल वापस आते हमने देखा है, और साथ ही साथ में जो चेहरे पे निखार है, झाइयां हैं, उसका भी जाना ये साथ ही साथ में होने लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा किसी एक विशेष जगह के लिए जब की जाती है तो उसमें टिप्पणी ही इस्तेमाल होती है। यूं तो सारी की सारी चिकित्सा गंदगी को निकालने में पूरे शरीर का सहयोग चाहिए, क्योंकि आपका जो सिर है, आपका जो चेहरा है, आपके जो बाजू हैं, ये सब आपके पेट से जुड़े हैं। तो पहले तो पेट में, दैट इज़ द मेन पार्ट, दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट, तो पहले तो पेट की सफाई होना ज़रूरी है, ताकि जो नया रक्त बने वो रक्त कण थोड़े पतले बने। जब तक गंदगी है तब तक रक्त कण भी मोटे हैं, और बड़ी नाजुक नाजुक हेयर फॉलिकल्स, बहुत पतली पतली नसें हैं, वहाँ पे फिर जब ब्लड पूरी तरह पहुँच नहीं पाता है गाढ़ा खून होने की वजह से, गंदगी युक्त खून होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं पे आहारचर्या को बदलने की ज़रूरत है। पंच तत्वों के ज्ञान को जानकारी करके पंच तत्वों को प्रयोग करना ज़रूरी है, जिसमें खास तौर पे हरी पत्तियों का चलन, हरी पत्तियाँ सबसे ज़्यादा फायदेकारक बनती हैं, और ताजे फल, ताजे सलाद अगर हम इनका सेवन करने लगें तो ये सब वाटर रिच हैं, हमारे शरीर के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं, मिनरल्स पोषण के द्रव्य को बढ़ाते हैं, और बड़ी बात कि हमारे जो रक्त कण हैं उसको साफ बनाने के लिए, क्योंकि इनमें रेशे बहुत हैं, फाइब्रस पार्ट, ये जो फाइब्रस पार्ट है ये हमारे पेट की सफाई के लिए, गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं पे आहार तो बदलना है, और ये जो पत्तियों का मैंने आपको बताया, अगर इन पत्तियों में खास करके कड़ी पत्ता, मीठा नीम बोलते हैं ना जी, 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 अगर 50 ग्राम के आसपास लेकर के इसका पेस्ट बना करके सिर पे लगाया जाए तो बालों को मजबूती प्रदान करेगा, और साथ ही साथ में आजकल आंवले का भी काफ़ी चलन है, अगर हम नारियल के तेल में आंवले के सूखे पीसेस को डाल करके और उसे खौला दें, उबाल दें, जला दें उस आंवले को, तो उसमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन आता है जो हमारे बालों को घना बनाने में, काला बनाने में बहुत फायदेकारक बनता है। और इसके अलावा अगर बिल्कुल बाल्डनेस है, बाल ही नहीं है, तो फिर हम लोग अपनी तरफ से जो प्याज का रस है ये लगा करके भी प्रयोग करते हैं। अगर तेल के रूप में इस्तेमाल किया है तो उसे रात को या तो नहाने से एक घंटे पहले किया जा सकता है, प्याज का इस्तेमाल किया है तो आधा घंटा पहले, स्नान से पहले, ताकि माथा धोने से पहले उसको लगा दिया जाए, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये ज़बरदस्त परिणाम दिखाना शुरू करता है। तो सर आपने बताया प्याज का तेल लगा दी, प्याज का रस अगर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत फायदेकारक है, और जिनको बिल्कुल बाल्डनेस है, बाल बिल्कुल नहीं है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिनके बाल तो हैं
लेकिन कम हैं या टूट रहे हैं तो पहले आहार चर्या पे काम करें और साथ ही साथ में अपने माथे पे करी पत्ता का पेस्ट एक 40 मिनट अगर लगा करके कड़ी पत्ता का पेस्ट बनाकर लगा दें, या तो ये आंवले का जो तेल कोकोनट में तैयार किया वो रात भर या तो एक घंटा पहले स्नान से पहले लगा दें तो बहुत बढ़िया। मेरा कहने का मतलब अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाए। और एक माथे की पट्टी आती है, वेट पैक हम लोग कहते हैं, जो पट्टी अगर गीला करके माथे पे लगा दिया जाए 20-20 मिनट के लिए 3 बार दिन में, तो ये बहुत बढ़िया परिणाम दिखाती है। तो सर माथे की पट्टी जो आप बता रहे हैं, हम कॉटन कोई भी कपड़ा लेकर माथे पे रख सकते हैं? कॉटन का 2 इंच जैसा कपड़ा लेकर के, वैसे तो जो जेंट्स के हैंकरचीफ होते हैं उसको भी डायगनली अगर हम लोग लपेट लें, जेंट्स के मैंने इसलिए कहा क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा आता है, तो वो पूरा माथे पे लिपट पाएगा। और उसे मटके के ठंडे पानी से भिगो करके निचोड़ करके अगर माथे पे लगाया जाए एक 20 मिनट के लिए रोजाना 3 बार, तो आप देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम कर देता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आपने जाना, अभी तो सिर्फ हमने बालों के बारे में जाना है, अपने सिर पर जो हमारे क्राउन है, हमारे बाल हैं हमारी सुंदरता का बहुत बड़ा द्योतक, कि उनको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। पर फ्रेंड्स हमने ये भी जाना कि केवल ऊपर से नहीं, हमें उसकी चिकित्सा अंदर से भी करनी है। प्रकृति अंदर और बाहर दोनों है, केवल बाहर ही प्रकृति नहीं है, हमारे भीतर भी प्रकृति ही है, तो हमें दोनों की तरफ ध्यान देना है। तो बहुत ही सुंदर डॉक्टर सरीन आपने हमको बताया। तो अब हम बालों से नीचे माथे की तरफ आते हैं, माइग्रेन। आजकल जिसको देखो माइग्रेन है, इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे कल डॉक्टर्स के पास जाएं तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स इतने ज़्यादा मिलेंगे और वो ऐसे कह देते हैं कि माइग्रेन हो गया मीन्स मैं आधा पागल हो गया इस समय। तो जब तक माइग्रेन है वो पागल की स्थिति में हो जाता है, इतना ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है और उसका कोई ट्रीटमेंट भी समझ में नहीं आता क्योंकि आप पेन किलर्स कब तक ले लेंगे। तो कुछ उसके विषय में हमारे ध्यानी मित्रों को बताइए कि उससे हम प्राकृतिक तरीके से कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए प्रकृति के अंदर में हर किसी चीज़ का निदान है जी। हमारी सृष्टि करने से पहले वनस्पति जगत को लगाया गया जिसमें हर एक चीज़ हमारे रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उपलब्ध करा दी गई। खाली हम लोगों को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, साथ ही साथ में हमारी खुद की प्रकृति, हमारा खुद का स्वभाव, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आजकल का तनाव का माहौल, छोटे छोटे बच्चे आज घर में 4-4 साल के 5-5 साल के बच्चे बोलते हैं मॉम आई एम इन स्ट्रेस। यस इट इज, मतलब कहने का खाली इतना कि हमें अपनी तरफ से समझना है कि एक तरफ से वनस्पति जगत में क्या क्या उपलब्धियां हैं, कैसे हम अपने अंदर की माइग्रेन को मिटा सकते हैं, और दूसरा अपनी प्रकृति अपने स्वभाव पे भी साथ में काम करने की ज़रूरत है, नियंत्रित करना है अपने तनाव को। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्द है, माइग्रेन इज अ पेन, तो इतना जानकारी कर लें कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं मल कूपित हो रहे हैं, गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर गैस नहीं होगी तो दर्द का एहसास ही नहीं होगा दर्द का एहसास ही नहीं होगा। और अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं होगा, तो भी ये दिक्कत आपको कहीं ना कहीं पे माथे में दर्द की बनी रहेगी। तीसरा, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लामेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, न्यूट्रिटिव पार्ट की कमी है और हमारा माथा दुख रहा है। तो ये 3 समस्याएं जड़ मूल में हैं अगर किसी को सिर में दर्द है। अक्सर जो खतरनाक दर्द उठता है वो माइग्रेन का। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा तो होगा अगर हम गाजर और पालक का जूस बना करके ले लें, रस बना करके ले लें। इसमें आधा गाजर का रस आधा ग्लास और आधा ग्लास पालक का रस। अगर पालक कुछ लोगों को टेस्टी नहीं लगता, हाँ, तो वो बीट, क्योंकि बीट का जो रस है, ये जो चुकंदर बोलते हैं ना, जी जी जी, लाल लाल इतना खूबसूरत और मिठास भी देता है, ये न्यूरोट्रांसमिशन में बहुत बढ़िया है।
और गाजर अपने आप में सबसे बढ़िया जड़ी है। आयुर्वेद में इतना बढ़िया और कोई जड़ी नहीं है जो ज़मीन के नीचे हो सके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो सिर दर्द में निजात पाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो सर, जैसे गाजर तो हमको सर्दियों में मिलती है, गर्मियों में तो गाजर नहीं मिलती। चुकंदर तो फिर भी हमको दोनों सीजन्स में मिल जाता है, पर गाजर नहीं मिलती, तो गाजर की को किस चीज़ से रिप्लेस करें? देखिए, आजकल तो 12 महीने पहाड़ों से आने वाली वो जो ऑरेंज कलर की गाजर है, जी, तो ये आप प्रयोग कभी भी करना चाहें तो ये आपको हर सीजन में आज अवेलेबल है। हाँ, जी जी, तो इसको लिया जा सकता है एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल। और न्यूरो ट्रांसमिशन को ठीक करने के लिए, जैसा मैंने बालों के बारे में भी बताया, तो अगर वो पट्टी माथे पे लगाई जाए, थोड़ा सा गीला करके, जो मटके का ठंडा पानी, यू डोंट हैव टू टेक कोल्ड आइस वाटर, यस यस यस, अपना साधारण ठंडा पानी अगर रखा जाता है, तो जहाँ पे ठंडक हमारे शरीर में बनती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली अंदर से ही हमारा रक्त का दौरा बढ़ने लगता है। अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं पे हमें समझना है कि हमारे मस्तिष्क में 72% तो पानी ही है। इसीलिए फिर से वापस जो आहारचर्या तो आपको कहीं ना कहीं पे चेंज करना पड़ेगा। माइग्रेन की समस्या ये कहीं पे लंबी चलने वाली समस्या है जी। तो अगर उससे बाहर आना है तो हमें अपने शरीर को संतुलित करते हुए कहीं पत्तियों का इस्तेमाल, कहीं ताजे फल, ताजे सलाद, एक समय का भोजन अगर हम कुदरती ले लें तो ज़बरदस्त परिणाम नज़र आने लगेंगे। वाह, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना, हर चीज़ का इलाज जो भी हमको डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहले अंदर से शुरू करना है, अंदर से बाहर की ओर जाना है। जब अंदर का कर लेंगे, पहले जूस पीजिए, सर ने बताया हमको, और अंदर पत्ते खाने हैं। एक टाइम का हमको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक टाइम का फूड जो हमें, का जो चलन है जी, तो फिर हमें पत्तियों को खाना शुरू नहीं करना है। पत्तियों का या तो जूस बना लें, मिक्सर में जैसे हम जी, चटनी जी, जी, बनाते हैं, चटनी बना लें, थोड़ा पानी ज्यादा रखेंगे तो जूस तैयार हो जाएगा जी, जी, उसी जूस में देखिए, पत्तियों में खट्टी होती है, मीठी होती है, पत्तियों का तो कोई स्वाद नहीं है, तो पत्तियों में स्वाद बनाने के लिए उसमें अलग अलग, किसी दिन टमाटर डाल दिया तो टमाटो फ्लेवर, ग्रेप्स डाल दिया तो ग्रेप फ्लेवर, लौकी डाल दिया तो लौकी फ्लेवर, कद्दू डाल दिया तो कद्दू फ्लेवर जी, जी, और कुछ ना मिले तो पानी पूरी का मसाला डाल दें, यस, पानी पूरी फ्लेवर, यस। पत्तियों की विशेष बना लीजिए, आयरन क्योंकि उसमें ज्यादा है, तो जो एनीमिक होते हैं, देखिए आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है, तो इसमें नींबू डाल दिया, संतरा डाल दिया, मौसमी डाल दिया, आंवला डाल दिया, तो ये सब विटामिन सी से भरी हुई सिट्रस चीज़ें हैं और ये अपने आप में उसके गुणों को भी बढ़ाती हैं। तो आप अलग अलग तरह से उसका चलन करना है। और जहाँ पे अंदर की बात हुई तो सफाई पे भी उतना ही ध्यान देना है। ये जो खुराक है, ये जो आहार है, ये अंदर जाकर के तो काम करेगा, साथ में अगर नेचुरोपैथी का जो सिंपल साधारण तरीका है, एनीमा का, पानी द्वारा अगर हम अपनी आंतों की स्वच्छता बना दें, कोलोन्स को साफ कर दें, तो 50 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स नज़र आने लगेंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कितना कुछ ज्ञान हमको मिल रहा है डॉक्टर साहब से। आप सब कुछ इस ज्ञान को रिस्टोर कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए अपने पास, बहुत काम आने वाला है। किस प्रकार हम पत्तियों को ले सकते हैं, कितना सरल तरीका हमको डॉक्टर साहब ने बताया कि पत्तियों को लेने का भी हमारे लिए एक उन्होंने अच्छा तरीका निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि दवाई की तरह हमको लेने की ज़रूरत है, इसमें हम पानी पूरी मसाला भी मिला सकते हैं जो कि हम सबको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा सोचिए, मनन कीजिए कि किस प्रकार अपनी दिनचर्या में इसको शामिल हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हमने माथे का तो कर लिया, अब हम आँखों पर आते हैं। आँखों की बड़ी समस्या है और आज ये समस्या, पहले ये बुजुर्गों में हुआ करती थी, 60 साल 50 साल के बुजुर्ग अगर हो गए तो वो आँखों पे चश्मा, मतलब मूवीज़ में भी हम देखते थे कि आँखों पे चश्मा जब चढ़ता था, जब 50-60 साल का दिखाना है कि ये पिता है,
ससुर हैं, सास हैं, तो उनकी आंखों पे चश्मा। परंतु आजकल तो 2 साल का बच्चा भी चश्मा लगा रहा है, और अब हम समझ सकते हैं कि हमें ही इस उम्र में अगर चश्मा लगाना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हमको किसी ने बांध दिया। पहले चश्मा खोजें, तब तो कुछ पढ़ें, कुछ लिखें। और इतना सा बच्चा जिसे खेलना है, कूदना है, शैतानियाँ भी करनी है, वो कैसे चश्मे को मेंटेन कर सकता है? तो कैसे निजात पाएं इस चश्मे से, छोटी उम्र वाले भी, बड़ी उम्र वाले भी? देखिए, जो आँखों का जो माजरा है ना, आँखों के तेज़ करने के लिए कहीं ना कहीं पे हमें वापस से बातें, तो देखिए सारी की सारी वहीं आ जाती हैं कि कहीं पे शरीर के अंदर में गंदगी है। संबंध बोध के हिसाब से वो बीमारी आँखों के साथ में है, तो उसमें चश्मा आया है जी। अब उससे निजात पाने के लिए पहले तो डिटॉक्स, शरीर के अंदर से गंदगी निकालने के लिए वाटर थेरेपी का इस्तेमाल, वमन एनीमा, वेट पैक का चलन, और जितने भी रोग हमारे गर्दन से ऊपर के भाग में हैं, तो इसमें हॉट फुट बाथ, ये बहुत बढ़िया काम करता है जी। हॉट फुट बाथ यानी कि गर्म पानी में पैरों को रखना है, रखने से पहले गर्म पानी में नींबू मिला करके इसे ले लिया जाए, तो आमाशय में पी लिया जाए जी, तो गर्माहट शरीर में बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा पसीना आने लगता है, गंदगी हमारे शरीर से पसीने के मार्ग के द्वारा और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने लगता है, त्रिदोष नाशक बनने लगता है। आँखों की समस्या में वनस्पति में धनिया जो काम करता है, विशेष करके जो पत्तियों का जो जूस बनाया गया उसमें धनिये का, हरे धनिये का प्रयोग ज़रूर किया जाए, ये आँखों को बहुत फायदेकारक है। इसके अलावा कहीं पे इन्फ्लामेशन, आँखों को अगर पूरी तरह से पानी नहीं पहुँचता है तो कहीं ना कहीं पे हमारी आईसाइट, पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं, और फिर जो रेटिना पे हमारे पिक्चर बनना था वो ठीक नहीं आता है। तो इसके लिए कहीं पे अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड, आप देखेंगे जितनी भी लाल रंग की चीज़ें हैं, जैसे लाल और ऑरेंज में वाटरमेलन हो गया, गाजर हो गया, संतरा हो गया, पपैया हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब विटामिन ए से भरी हैं, टमाटर हो गया, अगर इन सब चीज़ों का जूस पत्तियों के जूस में मिला करके दे दिया जाए, या जो आहार ताजे फलों का करना है, ताजे सलाद का करना है, उसमें दे दिया जाए, तो ये सभी चीज़ें विटामिन ए से परिपूर्ण मात्रा से भरी हैं जी। तो बस ये लाल रंग याद रखना है जिनको आँखों की समस्या है, उन्हें तो फायर ब्रिगेड को बुला करके आँखों की इन्फ्लामेशन को कम करके अपनी आँखों को दुरुस्त बनाने में अपना सहयोग देना है जी। यस, वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो मतलब आपने ये समझाया हमें कि हमको रेड और ऑरेंज कलर अपने अंदर डालना है, किसी भी रूप में डालें, ये हमको देखना है कि हमको, और ग्रीन धनिया, हरा धनिया का जूस, खास करके ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि जब हम लाल और ऑरेंज रंग की चीजें बोलते हैं तो फिर लोग उन्हें पका पका के उसमें हल्दी मिला के पकने के बाद में जो उसमें पोषक तत्व थे वो कम होते जाते हैं, खास करके एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं, इसीलिए ताजे फल, ताजे सलाद और हरा धनिया। फ्रेंड्स, हम सब जान गए कि हमें अपनी आंखों की रक्षा कैसे करनी है। बहुत ही सरल और घरेलू उपाय हैं, इनमें कहीं भी हमको बाजार से जाकर हजारों रुपए नहीं खर्चने, केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अपनी आंखों के लिए, अपने शरीर के लिए ये सब तो हम कर ही सकते हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से बताया। अब आँखों से उतरकर हम अपनी नोज पर आते हैं, कफ कोल्ड। और कफ कोल्ड ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही होता है या बरसात में ही होता है, देखते हैं गर्मियों में भी कई बार इतना भयंकर हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्या करें। और छोटे छोटे बच्चों को कफ कोल्ड, रात रात भर सो नहीं पा रहे, और कई तो मेरे को अभी अभी मेरे काम पड़ा, एक मेरे जूम में आती हैं महाराष्ट्र से, तो वो कह रही थी कि महाराष्ट्र में बारिश बहुत हो रही है और 4-5 महीने से मतलब सूरज ही ढंग से नहीं निकल रहा, और वो इतनी परेशान है कफ कोल्ड के लिए कि कह रही है मैं जितने दुनिया के उपाय
कोई बता सकता था मुझे, मैं सब कर चुकी पर मेरा कफ कोल्ड है, और वो सबसे ज्यादा परेशान, जाने का नाम नहीं ले रहा। और वो सबसे ज्यादा परेशान डॉक्टर साहब इस बात से है कि वो जब ध्यान करने बैठती है तो वो ज्यादा अटैक करता है, और जिस वजह से उनका ध्यान नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसा बताइए जो, क्योंकि लोगों को बहुत लंबा चलता है ये कफ कोल्ड। ये जो कफ एंड कोल्ड की समस्या है जी, देखिए अगर तो नाक से निकलने लगा तो कोल्ड हो गया है, और अगर मुंह से निकलने लगा तो कफ हो गया। नाम कूड़े का ही है, संबंध बोध अलग अलग है जी। पर ये समस्या अक्सर जैसे ही मौसम ऋतु का परिवर्तन होगा जी, क्योंकि शरीर अपने आप ही उभाड़ करने लगता है, गंदगी को बाहर निकालने लगता है, तो सबसे अच्छा होगा कोई दवा का प्रयोग यहाँ ना किया जाए, क्योंकि जो निकल रहा है वो शरीर से गंदगी निकल रही है, और गंदगी शरीर में बन कहाँ रही है तो वो फिर वापस अपने पेट पे, आहार पे, कहीं पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है। अपने आहार को पंच तत्वों के ज्ञान से जुड़ना है, जो खास करके जिन्हें कफ कोल्ड की समस्या होती है तो ये ठंडी झलकाती है कि शरीर में ठंडी ज़्यादा है, तो उन दिनों में अगर दो बार दिन में वेजिटेबल सूप बना करके लिया जाए और दो बार सब्जी बना करके ली जाए, सब्जियां सब के सब जो हैं टमाटर को छोड़ करके पकने के बाद में भी क्षारीय रहती हैं, तो जो सूप बनाया जाए, जो सब्जी बनाई जाए, दिन में खाई जाए, शाम को खाई जाए, उसमें टमाटर का सेवन ना किया जाए, तो शरीर को गर्माहट पहुंचाती है, शरीर में पड़ा हुआ कफ कोल्ड की समस्या से निजात दिलाने में सहायक बनने लगती है। एक संजीवनी पे पानी में अदरक डाल करके खौला करके उसे छान करके उसमें नींबू मिला करके और रॉ हनी अगर दिया जाए तो दिन में दो तीन बार देने से ये त्रिदोष नाशक बनता है, ये स्ट्रेस रिलीवर भी बनता है, तनाव से निजात पाने में बहुत बढ़िया काम करने लगता है। और थोड़ा आयुर्वेद का भी, क्योंकि देखिए नीम गिलोय, वैसे तो नीम गिलोय के जो डंडियां होती हैं उससे अमृतारिष्ट तैयार होता है उसका रस बनाने से, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, मार्केट में आयुर्वेद की दुकान से अमृतारिष्ट ले लिया जाए और 40 ml गर्म पानी के साथ में सुबह और शाम दो वक्त लिया जाए, तो आप देखेंगे 3-4 दिन में ही जो उनकी समस्या है उससे उन्हें निजात मिल जाएगा, जो इतने लंबे अरसे से तकलीफ में थे जी, जी। उन्हें तुरंत उसमें राहत, 3-4 दिन होना मुश्किल है, इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार सभी चीजों का इलाज हमारी प्रकृति में उपस्थित है, केवल हमारे को ज्ञान की कमी है और ज्ञान आज हमें मिल रहा है। इसमें मैं एक बात आपको जोड़ना चाहूँगा, वैसे तो हमने शुरू में भी बताया कि वमन द्वारा अगर हम अपने आमाशय की सफाई कर दें। सर मैं वो क्वेश्चन आपसे करने ही वाली थी कि वमन कैसे करें। तो देखिए जो वमन को कुंजल क्रिया भी कहा जाता है, 4 glasses to 6 glasses पानी को गर्म करना है, और यदि बीपी की समस्या ना हो तो उसमें 1 चम्मच नमक का मिला देना है। 1 चम्मच 1 spoon of salt 6 glass पानी में, या 1 glass पानी में, 6 glass पानी में 1 चम्मच 1 teaspoon of salt जैसा आंसू का स्वाद होता है ना, ऐसा स्वाद पानी का बन जाएगा, और इसे काग आसन में बैठ करके, जैसा हम इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठ करके, वैसे ही बैठ करके ये पानी को गटागट 1-1 glass करके पीते जाना है। जब आपको लगे 4 glasses, 5 glasses, 6 glasses की अब और अंदर नहीं जाएगा, बाहर आने की आपको समझ आने लगे, तो टॉयलेट में जा करके 90-degree एंगल पे कमर से झुकना है, झुक करके अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से अपने जबान की जड़ को दबाना है, जबान बाहर रखना है, दबाना है, आप देखेंगे पानी बाहर आने लगेगा। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आमाशय पे रखना है और झुक करके जैसे ही पानी बाहर आए तो हाथ को हटा देना है,
पानी बाहर निकल जाए, फिर से वापस से जबान को रगड़ना है। ऐसा 3-4 मर्तबा करेंगे तो जो पानी बाहर निकलेगा वो एसिडिक पोर्शन को, कफ को, कोल्ड को, साइनस तक को वॉश करता हुआ, इवन माइग्रेन की समस्या में भी ये जो वमन है, ये जो कुंजल क्रिया है, ये त्रिदोष नाशक है। ये बहुत बढ़िया आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए, आपके जितनी भी समस्याएं ENT से संबंधित हैं उसमें काफ़ी फायदेकारक बनता है। बहुत सुंदर फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, सब कुछ बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ रोज़ धीरेन्द्र जी हमारे पास नहीं आएंगे हमको बताने के लिए, जो आज बता रहे हैं उसको सहेज के रखिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब आपने हमको समझाया। अब हम मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छाले इतने हो गए कि कुछ खा ही नहीं पा रहे। एक वो दवाई आती भी है कुछ लगाने वाली, पर उससे भी कुछ खास ऐसा नहीं होता कि कोई खास हमको फ़र्क पड़ रहा है। कोई कहता है चूने के पानी के या कत्थे के पानी के कुल्ले कर लीजिए, तो उससे भी ऐसा कुछ नहीं समझ में आता कि कोई खास फर्क पड़ रहा है। ज्यादा करके ये जो लक्षण है जी छाले का हो जाने वाला जी, ये कहीं ना कहीं पे आपकी जबान को रोकने लगता है कि आप जो खाने पे थोड़ी लगाम लगाएं। अगर फिर भी खाया जाए तो फिर गले में भी छाले आ जाते हैं, फिर अंदर उतारने में भी मुश्किल होता है। पे हमारी जो कुदरत है, जो स्वभाव है, वो बताना शुरू करता है कि आपको रोकने पे, खाने पे थोड़ी रोक लगाने की जरूरत है। और कहीं पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी झलकाने लगता है। हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जब होती है, खास करके बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने की वजह से, तो वापस से हमें वही आहार चर्या पे ही पहुंच जाना है। हमें अपने आहार में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा जीवाणु हमारा फायदे में बनते हैं, और ये लेने के लिए सबसे अच्छा होगा अगर हम स्प्राउट्स बना लें। जो बीज आते हैं ना, वेजिटेबल के बीज हो गए, क्योंकि ये सारे क्षारीय हैं। या तो जो बीज हमारे ये मूंग के आते हैं, मूंग ही हमने लिया, कोई और दाल नहीं ली है, कोई और कठोड़ नहीं लिया है, क्योंकि बाकी की दालें और बाकी के कठोड़ एसिडिक हैं, अम्लीय हैं, ये क्षारीय हैं। मूंग के अगर स्प्राउट्स बनाए जाएं और ये दिया जाए, इसी में खीरा टमाटर बढ़िया भेल बना करके, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, गाजर और मूली को कद्दूकस करके, और थोड़ा उसमें भीगी हुई किशमिश मिठास के लिए, और थोड़ा हरी मिर्च भी, तो कहीं मीठा तो कहीं तीखा, अलग अलग स्वाद। मेरा मतलब प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं कि जो व्यक्ति को भोजन दिया जा रहा है उसमें मन पे बहुत तृप्ति आए, खाने में भी उतना ही आनंदित होना चाहिए जी, जी, जी। और आनंद के साथ में, वो कड़वी दवाइयां खिलाने में हम बिल्कुल विरुद्ध हैं जी, जी, जी। प्रकृति से जुड़ते ही अपने अंदर विटामिन बी की उत्पत्ति करने के लिए ये जो भेल है बहुत बढ़िया काम करती है। छाछ है, बटर मिल्क है, इसमें भी जो जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस के नाम के, ये बहुत फायदेकारक है। तो अगर ये दे दिया जाए तो ठंडक को, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक तनाव शरीर में होने की वजह से भी अल्सर हो जाते हैं, तो ये तो हो गया कुछ अंदरूनी तरीके से अपने शरीर को फ़ायदा पहुंचाना। जी, जी, जी। और ऊपर से अगर पानी में खाली नमक डाल करके कुल्ला कर दिया जाए, तो ये नमक वाला पानी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, और मुंह के अंदर में हीलिंग के लिए, तो दिन में अगर 3 बार कुल्ले कर दिए जाएं, और जहां पर छाले हुए हैं वहां पे हनी का इस्तेमाल किया जाए, दिन में 4-5 बार लगाया जाए, तो बहुत जल्दी उसकी हीलिंग, बहुत जल्दी आप देखेंगे 1 या 2 दिन के अंदर ही, जहाँ हफ्तों हफ्ते समस्या चलती है वहाँ 2 दिन में ही समस्या टल जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने छाछ का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सुना है कई जगह कि छाछ में नमक या चीनी डालो, या दही में नमक चीनी डालें या नहीं डालें। कोई कहता है नमक डालने से दही की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ख़त्म हो गई, या छाछ की प्रॉपर्टीज, चीनी डाल लीजिए।
अब चीनी कहते हैं वैसे नुकसान ज़्यादा करती है, तो क्या किया जाए छाछ के विषय में या दही के विषय में? छाछ में देखिए जो मुख्य तौर पे लेने का कारण एक है और वो है उसमें पड़ा हुआ जीवाणु जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जी, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये हमारे गट फ्लोरा के लिए अच्छा है। करीब 1990 में ये सिद्ध होने लगा कि हमारे भीतर जीवाणुओं का होना भी जरूरी है। इससे पहले तो शत्रु ही गिना जाता था, जी जी, कैसे जीवाणुओं को मार दिया जाए। तो हमारे शरीर में सहजीवन करते हैं जीवाणु, कुछ ऐसे जीवाणु जो हमें फायदे कारक हैं। ये जीवाणु हमारे शरीर में विटामिन को बनाने में कारगर बनते हैं, फायदे कारक बनते हैं। और इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो दही के माध्यम से शरीर में पहुंचता है, ये बहुत ही सरलतम तरीका है। दही को पतला कर दिया जाए ताकि पूरी आंतों में अच्छी तरह से वो फैलाव कर सके और उसका भरपूर फायदा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का मिल सके। आप देखेंगे जो ये चीनी है, अगर आप एक खीरे का स्लाइस काट के रख दें और उस पे चीनी डाल दें तो वो 5 मिनट में पानी पानी हो जाएगा। हाँ जी। नमक डाल दें तो भी वैसा ही, चाहे फिर टमाटर का स्लाइस हो चाहे वो प्याज का स्लाइस हो। जी जी। तो कहने का मतलब ये जो नमक है या जो चीनी है ये दोनों ही सुपर एसिडिक हैं। दोनों ही सुपर एसिडिक हैं। अब ये जब आप अपनी छाछ में डालते हैं तो उसमें पड़ा हुआ जीवाणु उसको खत्म कर देती है, उसका नाश हो जाता है। तो जिस कारण से छाछ लेनी थी वो नहीं फायदा होगा कुछ, वो फायदा चले गया, बस स्वाद रह गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्लेन छाछ बना करके, जी जी जी, कोरी ही छाछ ले लें। हाँ, वो तो फायदे कारक है, वो हमें फायदा पहुंचाएंगी। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं किस प्रकार हमें क्या लेना है, क्योंकि लेने का भी एक तरीका है, हर एक चीज का एक तरीका है। ऐसे ही नहीं कि दही हम खा रहे हैं जी हमको फायदा होगा, छाछ हम पी रहे हैं फायदा होगा। दुनिया भर का काला नमक, सफेद नमक, पता नहीं क्या क्या हम लोग डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही लीजिए अगर फायदे के लिए लेना है, स्वाद के लिए लेना है तो जैसी आपकी इच्छा हो। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमने यहाँ तक का जान लिया, अब हम गले पर आते हैं। गले की थायराइड की परेशानी, मतलब आजकल जिसको देखिए वो थायराइड की बात करता है कि मुझे थायराइड है, मुझे थायराइड है। कहते हैं जिससे भी सुनने में आता है हमको कि कहते हैं लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। एक तो ये आजकल डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ, हर बीमारी की इलाज लाइफ लॉन्ग चलेगा क्या? कोई ऐसा नहीं है कि भाई पेट में दर्द है आज की दवाई खाई, भाई चलो भाई 2-4 दिन खाई ठीक हो गया, सब दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग है? देखिए ये जो थायराइड की समस्या है जी, ये कहीं पे हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या है। okay. कहते ना साइकोसोमेटिक बीमारी है, तो जो हमारे मन के विचारों से हमारे शरीर पे उतरने वाले विकार हैं, और विज्ञान कहता है ऐसे 90% बीमारियां हैं, 90% से भी ज्यादा बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। तो अब बताइए इसमें दवा से सहारा तो मिलेगा, पर क्यों मतलब नहीं जैसे होगा? एक वो बैसाखी लगा दी ना, बस वो बैसाखी जैसा ही है। उसका इलाज दवा से नहीं है, उसका इलाज तो प्रकृति पे, कहीं ना कहीं पे हमें वनस्पति जगत के साथ में वापस जुड़ना पड़ेगा, अपने शरीर को तनाव मुक्त बनाना पड़ेगा। अपने मन को तनाव मुक्त बनाने के लिए ध्यान की जो साधना है, जो पद्धति है, जो सही मेथड है आनापान सति, उसे अपनाना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम खुद के डॉक्टर बन करके अपनी प्रकृति में बदलाव ला सकें, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकें। हमने बड़े बढ़िया परिणाम पाए हैं, एवरेज 40 दिन के अंदर, 40 डेज के अंदर हमने पाया थायराइड की सभी दवाएं बंद हो जाती हैं और थायराइड से आजीवन मुक्ति मिलती है। देखिए सबसे पहले तो शरीर के डिटॉक्स करने के लिए वमन और एनीमा का प्रयोग, और साथ में जो पट्टियां हैं इसमें 3 पट्टियां आती हैं, वेट पैक हम लोग इसे कहते हैं, बाजार में आती है सर ये, ऑनलाइन हम लोगों को मिल जाती हैं वेट पैक, पीएमसी गुजरात से भी मिल जाती हैं, वहां से भी कुरियर सर्विसेज में मंगवाई जा सकती हैं। तो 1 पट्टी माथे पे, 1 पट्टी गर्दन पे और 1 पट्टी पेट पे, ये 3 पट्टियों को
मटके के ठंडे पानी से भिगो करके निचोड़ करके लगा देना है। सुबह में 30 मिनट से 40 मिनट और शाम को 30 मिनट से 40 मिनट, क्योंकि हमारा शरीर का दो तापमान बनता है, जहाँ पट्टी लगाई वहाँ ठंडा, जहाँ पट्टी नहीं लगाई वहाँ गर्म। तो जब दो तरह का तापमान शरीर का होता है तो रक्त का दौरा बढ़ने लगता है। तो जो थायराइड में पूरी तरह से रक्त का न पहुंचना चल रहा था, ये बहुत बढ़िया पहुंचने लगता है। पहली तो चीज़ ये कि पोषण मिलने लगता है। थायराइड की समस्या में आप देखेंगे अमाइलेज नाम की कमी, अमाइलेज नाम की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए जितनी पत्तियां हैं, ये पत्तियां बड़ी बढ़िया हैं। यस, मैं सुन रही हूँ, आप हर चीज में पत्तियां जरूर ले आते हैं। हाँ, पत्तियां तो अमृत तुल्य हैं। ओके, आप देखिए जो पत्तियां हैं, इन सभी पत्तियों में अमाइलेज एंजाइम छिपा है। सर, तो पत्तियां जैसे हमारे पास मूली के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते, गाजर की पत्तियां हो गई, पालक हो गई, सर गाजर की पत्तियां कहाँ से लाएंगे? सर हमें तो बाजार में सिर्फ गाजर मिलती है पत्तियों के साथ। धनिया ले आएंगे, पुदीना ले आएंगे, पालक ले आएंगे, जो भी पत्तियां, बथुआ है, फिर आगे अब ठंड के मौसम में तो मेथी, सरसों की पत्तियां हैं, मेथी है, सभी पत्तियों में अमाइलेज सब में है। हाँ, कड़वी पत्तियों का प्रयोग मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे हमारे जूस में, हम जूस बनाने की बता रहे हैं, हम लोग चटनी बनाने की बता रहे हैं, तो जितना सेवन किया जाए दोपहर में और रात के डिनर में जरूर पत्तियों की चटनी बना करके, चटनी जब बनाई जाए तो उसे ज्यादा तीखा ना किया जाए, उसे कटोरी भर के, अचार की तरह नहीं, अच्छा क्योंकि मालूम पड़ गया कि ये इसका सबसे बढ़िया फायदा है तो ये लिया जाए, तो थायराइड की समस्या में अमाइलेज पूरा पहुंचने लगेगा। दूसरा, हमारे जो थायराइड की समस्या में एक्टिवेशन के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ योगिक क्रिया, जैसे भुजंग आसन है, कोबरा पोज होता है, उल्टा लेट करके आपको सिर को ऊपर उठाना है, जी जी। तो ये अगर रोजाना किया जाए तो ये एक्टिवेट करता है थायराइड्स को। और प्राणायाम में भ्रमरी प्राणायाम, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल तो क्या है कि जी जी जी। प्राणायाम और भ्रमरी में, जैसे भ्रमरी की भ्रमरे की एक आवाज होती है ना, वैसे ही अंदर ये जो साउंड है, ये दिन में 3-4 बार, सुबह में, दोपहर में, शाम, ये इसका इलाज है। हमने तो देखा अगर आहारचर्या को संतुलित कर दिया जाए, पंच तत्वों के साथ में जोड़ दिया जाए, शरीर को डिटॉक्स कर दिया जाए, और जो मैंने आपको बताया इन सब चीजों का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ में आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो षड बिंदु ऑयल, ये आयुर्वेद की दुकानों पे मिल जाता है। रात को सोने से पहले अगर दो दो बूंदें अपनी नासिका में, नाक में डाल दी जाए, तो ये थायराइड की समस्या में राम बाण की तरह काम करने लगेगा। हाँ, जो मैंने आपको बताया उसके लिए पहले आपको आहारचर्या और बॉडी को डिटॉक्स करने की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। इतना कर लिया जाए तो थायराइड का निदान 40 दिन के अंदर अंदर, कुछ लोग तो 10 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। कितना सरल है पर कठिन है, क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ी हुई है, मेडिसिन शॉप पर गए या डॉक्टर के पास गए, एक छोटी सी गोली लाए, मुंह में डाली, इस समय के लिए रिलीफ हो गया। परंतु फ्रेंड्स, इस समय का रिलीफ कितनी देर रहेगा? हमें लॉन्ग टर्म करना है, लाइफ लॉन्ग ये दवाइयाँ नहीं खानी है, अपने आप को इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। और सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, इस डिपेंडेंसी के लिए हमको क्या करना है? प्रकृति की तरफ मुड़ना है। और बहुत ही सीधे सरल छोटे छोटे उपाय हमको डॉक्टर साहब ने बताए, उनको अपने जीवन में अपनाइए। जैसे ही हम अपनाएंगे, हम स्वयं में बदलाव पाएंगे। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान, ध्यान बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, इतना कुछ ज्ञान आज आपने हमको दिया, एक तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट पहले करना चाहूँगी, एक बार आपको और बुलाना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सा ज्ञान लेना बाकी है। यस, वी विल डेफिनेटली रिटर्न बैक। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, एक हमारे को प्यारा सा क्रिस्प सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिए। विभा जी, जितनी बात आज मैंने आपके साथ में की, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि व्यवस्था में प्रकृति के साथ में रहना बहुत सिंपल है,
लेकिन हम लोगों ने अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है जितना हम अपने आप को सिंपल बना सकें, व्यवस्था के साथ में जुड़ाव कर सकें, वो हम लोगों को अपने आप ही संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि पे ले जाता है। क्योंकि व्यवस्था तो स्वास्थ्य की है। जब हमने जानकारी की हिप्पोक्रेट्स से पूछा गया, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का शुरुआत तो वहीं से हुआ है, तो उन्होंने बताया जो ईज में नहीं है वो डिस ईज में है। अगर आप किसी साइंटिस्ट को जाकर के, कोई साइंस के विद्यार्थी से जाकर के पूछेंगे अंधकार का फॉर्मूला क्या है, तो वो बताएगा कोई फॉर्मूला नहीं है भाई साहब, इसमें तो प्रकाश की कमी का होना ही अंधकार का कारण है। वैसे ही हमारे जीवन में जो बीमारियां आई हैं, कहीं ना कहीं पे हमने अपने अंदर कॉम्प्लिकेशंस को पैदा किया है, प्रकृति से हम दूर गए हैं। आप खुद देखिए, आप अपने हाथ नीचे रखते हैं तो कितना मर्जी पूरा दिन बैठे रहें कोई तकलीफ नहीं है, हाथ ऊपर करने हैं आप देखेंगे 2 मिनट से ज़्यादा रखने में, क्योंकि ये व्यवस्था के विरुद्ध है। सिर को ऊपर रखना है, पूरा दिन रखा जा सकता है, लेकिन कहीं बोला जाए कि सिर को नीचे और पैरों को ऊपर करना है, तो फिर ये प्रकृति के विरुद्ध है। स्वास्थ्य की उपलब्धि हमारे भीतर बहुत आराम से बनाई जा सकती है, क्योंकि ये व्यवस्था का भाग है। बीमार पड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम अपनी तरफ से जो गलतियां कर रहे हैं, अगर हम प्राकृतिक हो जाएं और अपने शरीर के जो डिटॉक्स के चैनल्स हैं वहां से गंदगी को निकालने में सहायता दे दें, नेचुरोपैथी के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा गंदगी को बाहर निकाल दें और प्राकृतिक आहार ले लें, प्राकृतिक खाएंगे तो प्राकृतिक बनेंगे। दिन में एक समय का भोजन अगर प्राकृतिक ले लिया जाए, संतुलित आहारचर्या के माध्यम से पंच तत्वों का सेवन शरीर में दिया जाए, तो हम सभी बीमारियों से निजात पाने में सक्षम बन सकते हैं। बात क्योंकि खाली शरीर की नहीं है, यहाँ मन हमारे शरीर का संचालन करता है, तो मन को भी स्वच्छ बनाना अति आवश्यक हो जाता है। वो फिर यहाँ पे तनाव से मुक्त होने के लिए सेवा का सिद्धांत और ध्यान की साधना, ये जो ध्यान की साधना है, इससे केवल हमारे मन पे ही प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारी ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। और जितनी ऊर्जा हमारी बढ़ती है, ये हमारी हीलिंग में, हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस बने हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे बीमारी का चलन है, तो अगर हम अपने तन मन और आत्मा को बैलेंस कर दें, शुद्धिकरण कर दें, ये तो तभी होगा जब हम आध्यात्मिक बनेंगे और हम अपनी तरफ से विज्ञान को साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपनी तरफ से जो प्रयोग करें वो विज्ञान सम्मत और आध्यात्मिक बन करके करें, तो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि हमेशा बनी रहेगी। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर साहब, बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया, सारा ज्ञान हमको बहुत सुंदर दिया। तो आपका, अपने सारे ध्यानी मित्रों के साथ मिलकर मैं आपका धन्यवाद कहती हूँ और आपको अगले अंक के लिए फिर से न्योता देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत कुछ जाना, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो अगले अंक तक की प्रतीक्षा कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा सदा। नमस्ते पीएमसी।